नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं चोइथराम मंडी में, जहां पर लहसुन की जो आवक है वो लगातार बढ़ रही है। जो किसान है वो अलग अलग जिलों से लहसुन यहां पर लेकर के आ रहा है और लगातार जो लहसुन की आवक है वो बढ़ती नजर आ रही है। पिछले दिनों लहसुन के दाम कुछ ज्यादा थे, जिसके बाद अब आवक बढ़ने लगी है और लहसुन के दाम जो है वो लगातार नीचे आ रहे हैं। कुछ किसान है, इनके साथ सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ भाव आज लहसुन के रहे हैं। क्या नाम है आपका? भारत चौधरी। भारत जी, क्या लेकर आया आज लहसुन? कितने बोरी लहसुन लाए? लहसुन है मेरे पास 20 बोरी। अच्छा, क्या भाव गया आज लहसुन का? लहसुन अच्छी वाली तो गई 11,000 रुपए, बाकी जो छोटा माल था वो 6,000, 6,500, 7,000 तक भी, हमारा तो गया 7,200। अच्छा, लगातार भाव गिर रहे हैं लहसुन? लगातार 100, 200, 500 नीचे जा रही है लहसुन। अच्छा, क्या कारण है लगातार भाव गिरने का? आवक भी है और माल भी थोड़ा बीमार। और कितने बीघा में बोया था हमने लहसुन? लहसुन मेरे पास में था 4 बीघे। अच्छा, कौन सी क्वालिटी का लहसुन है? तुलसी। तुलसी कौन कौन सी क्वालिटी का लहसुन हमारे यहाँ मंडी में आते हैं? यहाँ तुलसी है, अमलेटा है, जिसके बाद में भैया अपनी कौन सी लहसुन है? अपनी रियावन और अमलेटा। रियावन और अमलेटा है। अच्छा, और कितने बीघा में बोया था हमने? हमारे पास में तो 3-3.5 बीघे हुई था। और उत्पादन कितने बीघा में आया? उत्पादन तो अच्छा आ रहा है उसमें अभी, मतलब और बाकी है अभी तो थोड़ा ही माल निकाला उसमें, थोड़ा कच्चा है। अच्छा, लगातार आप देख रहे हैं लहसुन के दाम जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। 12-13 हज़ार तक के लहसुन बेची थी, आज वही लहसुन 11,000 रुपये बिकी है। देखिए, 12-13 हज़ार में बिकने वाली लहसुन आज 11,000 रुपये बिक रही है। और भी किसान हैं, इनसे बात करेंगे। आज क्या भाव गया लहसुन? हाँ, मैं तो छरी लेके आया था। अच्छा, क्या भाव गई? छरी बिकी मेरी 5600 बिकी, 1700 बिकी। अच्छा, लगातार दाम जो है वो नीचे? हाँ, नीचे नीचे आ रहे हैं। अभी 11,000 बिकी थी 5-6 दिन पहले। अच्छा, क्या कारण है लगातार दाम नीचे? अब माल थोड़ा ज्यादा आने लग गया है। अच्छा, आने वाले दिनों में है संभावना माल? हाँ, उम्मीद तो है। उम्मीद है। उम्मीद कितने बीघा में बोया था हमने? मैंने तो 4-5 बीघे का बोया था। अच्छा, और उत्पादन कितना आया? उत्पादन ये पहले जो निकाला था उसमें तो 25 से 30 कट्टे बीघे के। अच्छा, मतलब यानी कि मुश्किल से 20 क्विंटल 25 क्विंटल। और भी किसान हैं, इनसे भी जानेंगे। आप क्या लेके आए? हम तो नहीं लेके आए, यही लेके आए। अच्छा, लहसुन ही लेकर आए, सब साथ में आए। चलिए, तो निश्चित तौर पे ये चोइथराम मंडी थी जहाँ पर लहसुन जो है किसान लेकर के आए हैं। लगातार लहसुन के जो दाम है वो गिरते चले जा रहे हैं। यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश की अलग अलग मंडियों में भी लहसुन के दाम जो है वो लगातार गिर रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान जो है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है। इंदौर की चोइथराम मंडी से नमन मटके। क्या नाम है? सूरज सोमानी। व्यापारी है? जी हाँ। आज क्या भाव है लहसुन का? आज लहसुन 6,000 रुपए से लेके तो 9,000, 10,000 और 11,000 आखिरी। 11,000 आखिरी, लगातार आवक बढ़ रही है। जी हाँ। तो भाव घट रहे हैं? जी। आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी? भाव घटेंगे ही घटेंगे। अच्छा, कौन सी क्वालिटी का लहसुन आता है अपने यहाँ? देसी ज्यादा आता है। देसी कौन कौन से गाँव से आते हैं? सभी गाँव से, आसपास के इंदौर के जिले के सभी गाँव से आते हैं। अब भाव कम होने का कारण क्या है? भाव आवक बढ़ रहा है, धीरे धीरे आवक बढ़ रहा है जी। इस कारण कम हो रहे हैं जी। अब आने वाले समय में संभावना? संभावना कम ही होने की है अभी, होली तक। होली तक कम होने जी। चलिए ठीक है, आपका नाम? सूरज सोमानी। धन्यवाद जी। पानी में क्या नाम है? अनिल डावे। कहाँ से आए? मल्ले जाएगी। क्या लेके आए? लहसुन। कितने क्विंटल लहसुन? ये है अपने 7 क्विंटल लगे। आज क्या भाव गया? अभी गया नहीं अपना भाव। कितना गया? अभी गया नहीं भाव। आज क्या संभावना कितना जाएगा? डाउन है आज। डाउन है? क्यों डाउन हो गया अचानक? डाउन ये किसान का माल एक साथ में आया, जब भारत में आधा माल चला रहा था इनने कर दिया सरकारी में, तो अब किसान को काट रहे हैं व्यापारी। अच्छा। ठीक, उसके बाद किसान को मजदूर मिला नहीं टाइम पे, अब किसान को मजदूर मिला, एक साथ में भीड़ हुई मंडी में। ठीक है, उसके बाद अब किसान क्या करेगा, माल तो लाना पड़ेगा कटा है, व्यापारी मजा लेंगे उसमें। और एकदम से माल आया ये एकदम से नहीं, स्टॉक नहीं हुआ किसान का, क्या है एकदम मजदूर मिले किसान, उनको सभी किसान ने कटाई, सभी किसान साथ में लेके आ गए। जब मजदूर 250 रुपए में मिल गया था, आज किसान को 400 रुपए मिल गया मजदूर, क्या करेगा किसान। अच्छा, जब एक कट्टा मिलता था 12 रुपया का, आज मिल गया 17 रुपए का। ये जो प्राइवेट में और सरकारी में हुआ, इसका अंतर पड़ा? पड़ा ना, वो 3,000 डाउन हो गया ना भाव, 3,000 डाउन हो गया। पकड़ लेता हूं। क्या नाम है? नितेश डाबी। कहाँ का है? बरलई जागीर। क्या लेके आए? लहसुन। कितने क्विंटल? 15 कट्टे। क्या भाव गए आज? आज भाव गए 9,600। ऊपर में कितना गया आज? 11,000 तक देखा हमने। और नीचे में? नीचे में 6,000, 3,000, 4,500। लगातार भाव गिर रहे हैं? डेली गिर रहे हैं, 1,000-1,500 रुपए गिरे।
आवक ज्यादा प्रेशर, आवक का प्रेशर होने से। और आने वाले समय में कुछ संभावना? आने वाले संभावना जब आवक कम होगी, जब भाव बढ़ने की संभावना रहेगी। कितने क्विंटल माल आज आया है वो मंडी में? आज कम से कम 25,000 कट्टे के लगभग आए। और कौन कौन से गांव से आया होगा? ये देपालपुर, गौतमपुरा, इंदौर, देवास, शाजापुर और ये अपना धार। अपन ने कितने बीघा बोया था? अपन ने बोया था 4 बीघा। और उत्पादन कितने में आया? उत्पादन आया अपने को 15 से 20 क्विंटल बीघे का। जितना अपन ने लागत लगाई थी उतना मिला अपने को? उससे डबल मिल गया। डबल मिल गया? हाँ। उत्पादन तो कम हुआ मौसम के कारण? हाँ कम है, आधा ही है इस बार। अच्छा, उसके कारण भाव बढ़े थे लहसुन के? हाँ बढ़े थे ना, स्टार्टिंग में अच्छे भाव मिले। भाव बढ़े फिर अचानक कम हुए तो क्या मान लिया कि इसका आवक आवक की वजह से? किसानों ने स्टॉक कर लिया था इस कारण से? हाँ इस कारण से ना। हाँ फिर स्टॉक खोला लगा था। हाँ तो फिर अब अचानक गिर गया था। हाँ अभी आधे से भी कम हो गए भाव। आपका नाम? नितेश डाबी। पकड़ो भाई के, मैं पकड़ लूंगा। क्या नाम है? पन्नालाल गोयल। कहाँ से है? मौड़ी से, मौड़ी आला उज्जैन जिला, तहसील बढ़िया। क्या है? लसन। कितने बोरी? 4 बोरी। क्या भाव गया आज? आज बिकाने, अभी बिकने वाला है। और क्या भाव जाने की संभावना है आज? 11-11.5 तक भाव कम हो गए लसन के? बहुत ज्यादा हो गए। क्यों कम हो गए? क्या मालूम क्या किससे कम हुआ, किससे? कच्चा माल का भाव ज्यादा था, पक्का माल का भाव कम है सर। अच्छा, आने वाले समय में क्या बढ़ेंगे घटेंगे? लगता नहीं क्या बढ़ेंगे, ऐसा लगता नहीं बढ़ेंगे भाव, कह नहीं सकते आपको। अच्छा, और अभी पिछले बार तो अच्छा दाम गया था, अचानक कम हो गया? हाँ अचानक कम हो गया, पिछली बार गया था 24,000 गया था ना पिछली बार। अच्छा अब अचानक कम हो गया? अब अचानक कम हो गया, आधा से भी कम हो गया। अच्छा, अपन ने कितने बीघा में बोया था? 4 बीघा। और उत्पादन कितने बीघा में आया? 12-15 भाव तो बहुत ही कम हो गया। भाव कम हो गया? ये उसका उत्पादन है करीब 30-35 कट्टे बिके के, उत्पादन कम हुआ है। आपका नाम क्या है दोनों का? मेरा नाम नीलेश पटेल है। पन्नालाल गोयल, मौड़ी आला। क्या नाम है? हाँ बोलिए। मेरा नाम राहुल है। व्यापारी है जी। आज क्या भाव गया लसन? लसन आज लड्डू माल अपना क्या बोलते हैं बिक रहा है 60-65 रुपए, फूल अपना बिक रहा है 80-85-90 रुपए तक, और बड़ा मोटा माल 10,000 से 11,000 रुपए में बिक रहा है। लसन के भाव लगातार गिर रहे हैं? हाँ गिर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ का माल चालू हो गया है, और चारों जितना जो गांव रहते हैं सभी का माल चालू हो गया है। छिंदवाड़ा चालू हो गया है, अपना थोड़ा राजस्थान में चालू हो गया है। अच्छा। हाँ बम्पर आवक है कुल मिला के देखा जाए तो। कौन कौन सी क्वालिटी का माल आता है अपने पास? अपना आमलेट आता है, जीटू आता है, ऊटी आता है। अच्छा, आज कितने कट्टे आए होगा माल मंडी? आज पहली 40,000 कट्टे की आवक होगी। अच्छा। हाँ लगातार बढ़ रही है आवक? हाँ लगातार आवक बढ़ रही है। आने वाले समय में भाव की क्या संभावना है? भाव की गिरेगा, डाउन होगा, क्योंकि चार राजस्थान चालू हो जाएगा, इधर का अपना यूपी चालू हो जाएगा, छिंदवाड़ा चालू हो ही गया है। और जो एक्सपोर्ट वगैरह हो रहा है उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ता है, माल तो अच्छा आ रहा है और एक्सपोर्ट चालू हो गया है तो असर आएगा, 5-10 रुपये उछाल आएगी बाजार में। अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम राहुल केतोलिया है ना। राम राम। क्या नाम है? मनोज धनेरिया भोपावर। क्या लेके आए? लहसुन। कितने कट्टे लेके आए? 25 कट्टे लाए। क्या भाव गया? अच्छा बेस्ट में गया 8,500 हमारा माल, और हकी हुई लहसुन गई 6,000 रुपए। अच्छा, लगातार दाम जो है वो गिर रहे हैं लहसुन के? हाँ पर डे 2-3 हज़ार रुपए समथिंग गिरावट आ रही है। क्यों आ रही गिरावट? गिरावट ये भीड़ के कारण आ रही है, और कुछ हड़तालें चल रही है, जैसे बदनावर मंडी में कुछ ताले वाले लगा दिए गेट पे, इसलिए उसके कारण भाव गिर गया है ना। जी जी जी। कौन कौन सी क्वालिटी का आता है मंडी में? काम मंडी में प्रत्येक क्वालिटी का माल आता है, कम से कम इंदौर संभाग 10-12 जिले का माल आता है। अच्छा, कौन कौन सी क्वालिटी आती है हमारे यहाँ? ऊटी आती है, आमलेट आती है, जीटू आता है, तुलसी आता है, बहुत सारी वेरायटी है। अच्छा, अपन ने कितने बीघा में बोया था? 8 बीघे में। और उत्पादन कितने में हुआ? करीब करीब 8 बीघे में 8-2 16-24 मतलब 200 कट्टे के समथिंग। अच्छा अच्छा उत्पादन हुआ। जी जी। अभी की मार पड़ी क्या? लहसुन में थोड़ी कम पड़ी है, बाकी गेहूं में चने में ज्यादा पड़ी है। क्या नाम है? मनोज धनेरिया भोपावर।